बातों बातों में आज जो मेरे गेस्ट हैं ये जनाब बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे और बने भी, क्योंकि इनकी आवाज ने जो है लाखों करोड़ों दिलों का इलाज किया है। लेकिन जब ये डॉक्टर बनना चाह रहे थे तो मेरे जैसे लाखों लड़के स्कूल कॉलेज में डेनिम जैकेट पहनकर हाथ में माइक लेकर रॉकस्टार टाइप्स के बनना चाह रहे थे। के माय फ्रेंड, वेलकम ऑन बातों बातों। हे अनमोल, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैन। डॉक्टर बनना चाह रहे थे, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बस यार अनमोल, बचपन में ये सब पढ़ाई के बारे में कुछ थोड़ी पता होता है। मेरे अंकल थे डॉक्टर, तो आते थे, इलाज करते थे, खुशी खुशी आते थे, तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा है, ये अच्छा काम है, बिल्कुल आते हैं और पैसे भी ले जाते हैं और बंदे भी ठीक हो जाते हैं। तो आई थॉट आई विल बिकम अ डॉक्टर, गुड थिंग टू डू। बट धीरे जब वो रियलाइजेशन हुई कि पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, मैंने कहा छोड़ देते हैं, है ना, राइट, लेट अदर्स डू इट। सही बात है। लेकिन शुरुआत की बात होती है तो वो किस्सा आता है कि के सेकंड क्लास में थे, एक जगह पे गाना गाया, एक गाना चूज करके, और वहां से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। लेकिन वो के उसने कैसे सोचा कि यार मैं गाऊं और गाने के लिए ये गाना चूज करूं, वो थोड़ा सा बताइए। ये पहली बार था जो मैं परफॉर्म कर रहा था, कॉम्पिटिशन था, और उस वक्त क्या ना, ये तुम बचपन में नहीं सोचते हो कि ये गाना मुश्किल है या ये गाना ऐसे करना चाहिए, ऐसे डिफिकल्ट सॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। राइट, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट थिंक ओके यू लाइक अ सॉन्ग, तुम्हें गाना पसंद है तो तुम गाओगे। तो आशा जी का गाना था जब अंधेरा होता है, राइट, एंड इफ यू लुक एट इट, इफ यू हियर इट नाउ, इट्स नॉट अ इजी सॉन्ग, इसमें नोट प्ले काफी है। मे बी आई हैड दैट इन मी एज अ चाइल्ड टू बिकम अ सिंगर। उस वक्त तो तुम सोचते नहीं हो, क्योंकि इफ यू पिक अप अ सॉन्ग व्हिच इज नॉट इजी, व्हिच हैज नोट प्ले, यू हैव टू हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक एंड यू हैव टू नो हाउ टू सिंग दैट। तो बचपन में मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कोई सिंगर हूं यार, बस मैंने अच्छा लगा, सुना और सीख लिया और गा दिया। ये जो आप कह रहे हो नोट प्ले, अगर आप गाके बताओ कि गाने में वो कहां पे नोट प्ले आता है, क्यों ये डिफिकल्ट है गाना? जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद। अच्छा, इसमें वो भी है डायनामिक्स, एक चोर निकलता है काली सी सड़क पे, ये आवाज आती है, चोर 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 चोर, शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है। तो नोट प्ले जो है, यू नो, इट्स नॉट अ क्लासिकल सॉन्ग, बट स्टिल टू लैच ऑन टू अ मेलोडी लाइक दैट, इफ यू नॉट इंक्लाइंड टू म्यूजिक, आई डोंट थिंक वुड हैव हैपेंड। सो आई थिंक यू ब्रॉट इन अ क्वेश्चन व्हिच मेड मी रियलाइज दैट मे बी कि मैं सीखा हुआ नहीं हूं, तो मेरे को शायद आई हैव इट फ्रॉम माय प्रीवियस बर्थ। तो जब परफॉर्म किया तो अप्लॉज मिला, प्राइज मिला, तो लगा बहुत ये सही है, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगा यार। क्योंकि देख, उससे पहले मैंने कहा कि ये तो पहला शो था मेरा, राइट, तो मैंने गा दिया, जैसे कि वो मल्टीपर्पज हॉल था, ऐसा थोड़ा सा थोड़ा बड़ा, और बच्चे से बैठे थे, टीचर्स थे, और मैंने गा दिया। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई, मैंने कहा अच्छा ये क्या हो गया यार, बढ़िया चीज है। हाँ, ये तो डॉक्टर से भी बेटर है, ताली मारेंगे एंड दे विल बी हैप्पी, यू नो। सो आई थॉट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, राइट, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग। तो इंटर स्कूल वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ना सुबिन कॉम्पिटिशन। सो वट वर यू फॉलोइंग दैट टाइम, उस वक्त जो म्यूजिक चल रहा था, क्या फॉलो कर रहे थे, किन्हें सुन रहे थे? मैं किशोर दा को सुनता था, क्योंकि वो बचपन से मेरे फेवरेट रहे, अभी भी, मतलब व्हेन यू वांट टू लिसन टू समथिंग व्हिच काम्स यू डाउन, आई लिसन टू किशोर दा, कमाल, इट्स सोल इज देयर, हिज डिलीवरी, वो कैसे एक एक गाने को महसूस करते हैं, आई थिंक मैंने वही सीखा। फॉर मी आई पिक्ड अप द एबिलिटी टू इमोट अ सॉन्ग, क्योंकि हम सब गाते तो काफी लोग हैं, राइट, बट जब तक आप वो गाने को महसूस ना करो, द नुआंसेस ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू सिंगिंग, इट शुड बी लव, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, शुड बी रिएक्शन। तो वो डिसीजन कब लिया, दिल्ली में बैठे हुए थे कि भैया ये प्रोफेशन बनेगा? यार वो मेरे साथ था कुछ अलग कहानी थी। अच्छा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा, ठीक है, मतलब स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज में मेरे दो तीन रॉक बैंड से, मैं एक में ड्रम बजाता था और गाता था, एक में फ्रंट लाइन वोकल हैंडल करता था, लेकिन उस वक्त भी बस शौकिया था, राइट, बट क्या हुआ, आई फेल इन लव एंड आई हैड टू गेट अ जॉब टू गेट मैरिड, थैंक्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइन आई गॉट अ मार्केटिंग जॉब। मैंने कहा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे यार, बहुत मुश्किल था वो मार्केटिंग, नहीं हो रहा, आई थिंक कि मैं क्या करूं, ये हाउ डू आई सेल एनीथिंग, वन फाइन डेज इज लेफ्ट द जॉब। तो वो दिन मुझे याद है, मैं छोड़ के आया और मैंने कहा कि मैं तो क्या क्या करोगे, मैंने कहा मैं प्रोड्यूस कर लूंगा, मैं कीबोर्ड ले लूंगा, मैंने थोड़े जिंगल्स बनाए, ऐसे शुरू किया, धीरे धीरे जिंगल्स करने शुरू किए, फिर देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी लिव, आई एम हैप्पी।
I made the right decision, I feel. Thank God. Thank wow. my wife Jyoti right. and my friends who pushed me. कि तू निकल जा, तू कर ले. तो मैं दिल्ली में 94 छोड़ के जब मुंबई आया, it was a great time. I got into jingles, advertising. I was not thinking even at that time, 94, 95, 96, 97, 98 that I want to do films. ये कहीं पे दिमाग में था ही नहीं. था ही नहीं. मेरे को अपना एल्बम करना था. Sony Music was coming to India. Okay. And they signed me as a debut artist in India. It was a big thing. तो वो 98 पे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, 99 में एल्बम रिलीज हुआ. 99 में ही मेरा सबसे जो जिंदगी का मैं कह सकता हूँ एक गाना जो रिलीज हुआ तड़प तड़प के, आई स्वेयर. तो 99 फॉर मी वाज अ टर्निंग पॉइंट. लेकिन तड़प तड़प के पे हम कैसे पहुंच जाएं, क्योंकि उससे पहले पल है बॉस. टेल मी द स्टोरी ऑफ पल. लेज़ली एंड आई हैव लाइक बीन वर्किंग फ्रॉम 94 ऑनवर्ड्स. ओके ओके. ही सेड कि लेट मी पुश यू टू सोनी म्यूजिक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई सेड श्योर. एंड आई सेड इफ इट्स गोना वर्क आउट यू हैव टू प्रोड्यूस माय एल्बम. ऑफ कोर्स. वो ऐसा भी हुआ बीच में, ही गॉट वेरी बिजी. अब वो सोनी म्यूजिक का मेरा साइन करने का टाइम आ गया. okay. कि हो गया, इसको पिकअप कर लिया भाई, ये ठीक है, इसको एल्बम करना है. तो लेज़ली बोला शायद मैं तेरा एल्बम नहीं बना पाऊँ. तो मैंने कहा आप नहीं बनाओ तो मैं एल्बम नहीं करूंगा. मैं बहुत अडियल किस्म का इंसान हूँ. इफ आई एम कमिटेड टू समथिंग देन आई गो विद इट द होल हॉग. सो आई टोल्ड लेज़ली इफ आई नॉट प्रोड्यूसिंग आई एम नॉट डूइंग एल्बम. आर यू मैड? यू नो दिस इज योर break which you wanted. I said yeah, but I got it because we worked together, right. You know, and I want you to produce album because he was doing Colonial also at that time. And he didn't, I think for a couple of weeks it was a little weird, you know, like he's saying I can't do it. I was not letting him. Finally he said yes, we're doing it. And that was a very good thing for me because mera ek dream jo tha, yeah. I want to do that album, and he understood me very well. He wrote the songs keeping me in mind, and that song Yaro jo hai, har dost har har har, har jagah. Doesn't matter city क्या है, कौन सा गली कूचा है, दोस्त बैठे हैं और गा रहे हैं. I know, yeah. क्या गा रहे हैं? यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार. अब 1999 एल्बम आ गई, एल्बम मेजर हिट हो गई, हर जगह चर्चा था उसका. फिर वहां से जो तार जुड़ा तड़प तड़प के, ये तार कैसे जुड़ा? महबूब पुट मी ऑन टू इस्माइल बिकॉज ही इज महबूब एंड इस्माइल वेरी थिक फ्रेंड्स. तो मैं मिला महबूब ने मेरे को कहा कि मेरा एक दोस्त है इस्माइल और ये गाना एक उसका है, वो तो बहुत अच्छा गाएगा. तो महबूब ने मुझे मिलाया इस्माइल से और फिर गाना सुना मैंने पहली बार, तो गाना तो बहुत अच्छा आया. मैं तो सीधा यहाँ लगा. मैंने सुना जब मैं इस्माइल की आवाज में, मैंने कहा गाना बहुत अच्छा आया. तो मैंने इस्माइल को कहा यार मैं कोई गाना सीखा आराम से, इट्स नॉट माय स्पेस बट आई वांट टू मेक इट माइन. ठीक है. सो ही सेड ठीक है ना यार, ये तेरा ही गाना है, आराम से सीख. ओके. तू ही करेगा. दैट कन्विक्शन इन व्हिच ही सेड दैट, इट जस्ट हेल्प मी एंड आई लर्न दैट सॉन्ग. 99 में वी रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग एंड आई रिमेम्बर संजय बंसाली. I have to thank him for making it a big hit because I think वो फिल्म में एक से crux, I think a big एक जबरदस्त जगह पे आती है वो. He heard that song, I think I recorded it and I went home to bring Jyoti to listen to that song. Sanjay was there for an hour at least and he said कि yeah, I've heard the song 30 times over. 30 बार. And he was crying, eyes were red and he was crying. And he hugged me and said तुमने क्या किया यार. तो for me it was like unbelievable because it was very early stage in my life, 99. This was 1999. लेकिन Matches तो बहुत पहले हो गया था ना. हाँ करेक्ट. 96 में मैंने Matches का गाना, पर वो गाना मैं मतलब इट्स माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग थिंग बट देयर वाज जस्ट टू लाइंस आई डिड. लेकिन वो जो दो लाइनें थी वो गुलजार साहब को बहुत पसंद आई. रिकॉर्ड किया मैंने, विशाल भैया ने बोला मेरे को यार ये दो लाइनें हैं बट इट इज एब्सोल्युटली योर स्टाइल, यू सिंग हाई एंड यू फील दैट, सो यू जस्ट डू इट योर वे. और गुलजार साहब ने मेरे को आके कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया, ये गाना जो तुमने गाया दो लाइनें हैं ना, ये फिल्म को पकड़ लेती है. तो ये जो है आई विल पुट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, ही टोल्ड मी दिस, एंड आई विल आल्सो हैव इट एज अ साइन ऑफ लाइक एट द एंड आल्सो आई विल पुट इट. सो आई फील वेरी गुड. एक तरफ एल्बम आई, एल्बम हिट हो गई, तड़प तड़प फिल्मी गाना सुपर हिट हो गया. अब मैंने कई लोगों को सुना है कि भैया एक हिट गाना दिया लेकिन उसके बाद भी हम तो खोए हुए थे, समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करें. के कहां पे थे तड़प तड़प और पल के बाद? एल्बम हैपेंड, दैट वाज वेरी गुड फीलिंग. बट मेरे को एक ऐसा लगा 99 में आई एम स्टैंडिंग एट अ फोक कि मैं अब नेक्स्ट एल्बम करूं विद इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, और शुड आई वॉक दिस लाइन फिल्म्स का. मैंने कहा यार फिल्म का करते ना यार, क्योंकि मेरे को लगा कि एल्बम करूंगा विल बी माय परसेप्शन विल चेंज ओवर टाइम. सो लेट मी वॉक द फिल्म लाइन, लेट मी डू फिल्म, बिकॉज आई कैन वर्क. मैं अलग अलग लोगों के साथ काम कर सकता हूँ.
अनगिनत म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, मैंने कहा सबके साथ काम करो तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। करेक्ट राइट राइट। तो मैं यही सोच के मैंने कहा कि अभी एल्बम नहीं करता हूँ। ठीक है। 99 के बाद मैंने फिर फिल्मों में ध्यान देना शुरू किया। ठीक है। 2000-2001 में मतलब काफी सारे अनुजी के साथ मैंने काम किया। हाँ, इनफैक्ट आपने अच्छा नाम लिया अनु मलिक, क्योंकि वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं हूँ ना, हाँ, ये सब उसी वक्त हो रहा था। 2001 टू अक्स ऑसोलिटो। या टेल मी योर एक्सपीरियंस विद अनु मलिक। अनु मलिक वेरी स्पॉन्टेनियस एग्जूबरेंट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब अगर तुम उनके साथ बैठो, तुम्हारा मूड खराब हो, बैठे हो थोड़ी देर, सवाल ही नहीं होता कि तुम 15-20 मिनट ठीक नहीं हो। ओके, ही विल मेक यू लाइक दैट। इफ इट्स अ फन सॉन्ग, ही हैज टू गेट आउट ऑफ यू। आई थिंक आई एंजॉयड माय वर्क विद हिम। अक्स में योर लाइंस वर ना, दैट क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या बुरा और क्या खराब है, सिर्फ जीने का हिसाब है, जादू है सर चढ़ेगा और जो उतरेगी शराब है, चंपा चमेली गेंदा सब रास है। ये मौका मुझे बच्चन साहब के लिए गाने का मिला था, बहुत सुनहरा मौका आई वुड से, बिकॉज ही इज अ ट्रू लेजेंड। एंड उनकी आवाज को एक्चुअली मैच करने के लिए मुश्किल भी था, क्योंकि ही इज गॉट अ बैरिटोन। तो हमने क्या किया था इस गाने में, दो ऑक्टेव किए थे मैंने। अच्छा, मतलब बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। ओ, दोनों तरफ से गाया था, इसको मर्ज किया था। हाँ, मर्ज किया था दोनों, दो इसमें हमने जो ट्रैक किया था इट वॉज लाइक टू ऑक्टेव्स। तो द लोअर एंड वॉज फॉर द बच्चन साहब बेस बैरिटोन। आई हैव टू गेदर, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, जो बॉटम एंड होता है ना, वो थ्रो अलग सी लाना जरूरी था। तो अनु जी के साथ तो क्या है ना, ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस। अगर मैंने को टेक किया और अच्छा लगा ना, तो ही से कि मैंने नहीं, मेरे को मिल गया, डोंट ट्राई। अच्छा, ही ना, देखिए, बातचीत का मजा यहाँ बातों बातों में, बस अभी ये चढ़ना शुरू हुआ है ये नशा, धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। पहली पहली ब्रेक ले लेते हैं बातों बातों में, और इस छोटी सी ब्रेक के बाद अनमोल के आप तीनों फिल्म देंगे। जब आप एक ऐसी फिल्म के लिए गाना गाते हैं जहाँ पे की फिल्म की कहानी बेस्ड हो आर डी बर्मन के ऊपर, चार पांच लड़के हैं, बैंड है, पंचम दा वैसी दिल के पास में है, झनकार बीट्स। आई थिंक विशाल शेखर की जो म्यूजिक है ना, दे रीडिफाइंड लॉट ऑफ सॉन्ग्स। आई फील 2000 में शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, प्रीतम, दे वर द डिफाइनिंग चेंज फेस ऑफ म्यूजिक, न्यू म्यूजिक आई थिंक। एंड ये म्यूजिक जो था, आई कुड रिलेट टू इट मोर। दिस पर्टिकुलर फिल्म आई रिमेम्बर सुजय ऑल्सो द डायरेक्टर, उसकी फर्स्ट फिल्म थी, और एनी टोल्ड मी इट्स अबाउट पंचम दा एंड ऑल, तो एक अलग सा अपना माहौल बन जाता है। एंड यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पंचम दा, मुझे लगा कि ये फिल्म में जो गाने हुए हैं, देर हैज टू बी कुछ तो झलक हुआ हुआ ना, विशाल शेखर ने भी गाने बनाए होंगे। अगर आप सोच के बनाते हो किसी के बारे में, तो उनकी रूह कहीं ना कहीं तो उसमें आई होगी। सही बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं आई। 2007 में आते हैं, ठीक है, बीते लम्हे, मिथुन सबसे पहला गाना, आई थिंक मिथुन के मैंने जो किया था बस एक पल किया था। ओके, और फिर ये बीते लम्हे फॉर द फिल्म ट्रेन। राइट, क्या गाना है यार, ये कैसे बना? मैं मिथुन के तो स्टूडियो नहीं, प्ले द सॉन्ग मेरे को सुनाया, और उसमें ये कहा कि इसको आप जो गाओगे, इसके जो पोर्शन एंडिंग में काफी कुछ अलग अलग वॉइसेस किए, मतलब तीन चार टेक अलग अलग करके ना, फिर ही इज अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, वो पिकअप करके उसको काट के एडिट करके सही बताते हैं बिल्कुल गाने में। आई थिंक मेरी जो आवाज है, आई थिंक इन बस एक पल, बीतनम है, कैसे बताऊं तुझे, एक फिल्म आई थी उसका गाना था ये भी, मिठू का था गाना, सब में जो है ना मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगती है मेरे को खुद को। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, ऑनेस्ट के आई नो बंदे दिल में आती है, बोलते आई लव यू फॉर दैट, खत्म मतलब आई लाइक द वे ही जो उन्होंने मिक्स करके जो वॉइस की जो क्वालिटी है ना, वो कमाल का है लगता मुझे इस गाने में भी। अब देखो, ब्यूटीफुल लिरिक्स की अगर बात हो रही है तो उसको हमको ना रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नई नई एल्बम आई, विशाल शेखर का म्यूजिक, ओम शांति ओम, और मैंने सारे के सारे गाने बैक टू बैक सुने। आई थिंक ये एक ही गाना है जो विशाल ने लिखा है, और बाकी सब आई थिंक जावेद साहब ने लिखे हैं। आप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, प्रोडक्शन ऑल्सो जस्ट देयर, इट्स अ वेरी डिमांडिंग सॉन्ग फ्रॉम अ सिंगर। अच्छा, क्योंकि द वॉइस इज राइट ऑन टॉप, एवरीथिंग इज जस्ट सपोर्टिंग, स्ट्रिंग्स, पियानो, ड्रम्स, जो भी है, हल्का हल्का हल्का, कहीं कुछ ज्यादा नहीं है।
तो एज अ सिंगर यू हैव टू प्ले दैट गेम राइट, इन द सेंस ज्यादा मत पकाओ कुछ भी, पर कहीं पर ज्यादा कुछ जरूरी नहीं होता है। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि, और क्योंकि मैं किशोर दा, रफी साहब, इनको बहुत पास से सुना है और बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, तो बहुत पहले बहुत बात होती थी कि जब रफी साहब शमी कपूर के लिए गाते थे तो एक अलग, राजेंद्र कुमार के लिए अलग, दिलीप कुमार के लिए अलग, नाउ यू संग फॉर SRK, ऋतिक, सैफ, सलमान, सो KK के दिमाग में भी कोई थॉट प्रोसेस होता है कि यार अगर ये शाहरुख के लिए तो ऐसे गाऊंगा, या फिर? आई बी ऑनेस्ट, नो आई डोंट, ओके, आई एम वेरी ट्रू टू सॉन्ग, आई डोंट एक्ट इट आउट, मतलब ये नहीं मैं सोचता कि एक्टर जो है, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे यही लगता है कि अगर मैं उसको महसूस करूं, इमोशनल जो थ्रेड है उसकी वो पकड़ लूं, तो इट विल बी बिगर, राइट। मैं पहले सोचता था कि यार जब मैं बिगनी में गाना गाता था ना, तो मेरे को मेरे दोस्त यार तेरी आवाज तो वहां सूट करी, मैंने कहा है मुझे तो खुद लगता है कि मेरी आवाज किसी और को कैसे सूट होगी मेरी आवाज तो मेरी आवाज है किसी और पे कैसे सूट होती होगी, बट व्हेन आई हर्ड इट अरे यार तो अच्छा लग रहा है, तो मैं धीरे धीरे सुनने लगा, जब मैंने जब ये ओम शांति में गाना मैंने जब थिएटर पे जाके देखा, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट, आई लव द वे विशाल शेखर प्रोड्यूस द होल सॉन्ग, जैसे मिक्स हुआ था, और जब वो उस पॉइंट पे आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा कि यू हैव टू ट्रांसेंड एज अ सिंगर, मतलब तुम उसको नहीं सोच सकते, सी यू हैव टू आउटलिव अ सॉन्ग ना, एज सच, मतलब कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, एक गाने का जो है लाइफ खुद की होती है, बिल्कुल, अगर कोई फिल्म ना चले तो भी चलते हैं, मतलब इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन अ फिल्म, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम लार्जर देन लाइफ ऑन एनीथिंग, नो नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम ओनली ट्रू 100% टू अ सॉन्ग। मूविंग ऑन, केम अ फिल्म बचना है हसीना, खुद आ जाने, व्हाट अ सॉन्ग, इट वाज अ टफ सॉन्ग, हां, अच्छा, क्योंकि वो इट्स अ जंप, लाइक सजदे में यूं ही झुकता हूं, तुम पे ही आके रुकता हूं, क्या ये सबको होता है, फीमेल आता है, करेक्ट, फीमेल का आता है, फिर सर ली, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, जंप है पूरा। मैंने जब गाया था विशाल शेखर के ये गाना, बहुत वो मुद्दे है, और दे बहुत, उन्होंने मेरे को ये कहा कि यार केक्स ये जो गाना है इट हैज अ लॉट ऑफ उतार चढ़ाव, विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, बट इट शुड नॉट लुक लाइक दैट, ओके, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि झटका नहीं पड़ रहा, हाँ, सडनली चाबुक मार के तो कैंटर कर रहे हो, तो इट हैज टू बी लाइक दैट, इट हैज टू बी स्मूथ, और वो है ऐसा, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। हमारी जर्नी को लेके चलते हैं एक दोस्ती की तरफ, प्रीतम KK, और इसमें जोड़ देते हैं अलविदा। अब अलविदा की कहानी जो है वो जब हमने सुनी वो तो सुनी हमने फिल्म में, लेकिन कहानी भैया बहुत पहले से, वो बहुत पहले से, ये दोनों की बात 1998 की बात हुई, फेमस स्टूडियोज के अंदर एक स्टूडियो होता था गैलेक्टिका, तो मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था जिंगल, प्रीतम वदन यादव, तो बस टॉयलेट में मिले यार मेरे को एक तेरे को गाना सुनाना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है बाहर तो चलते हैं, बाहर चले गए, उसने गिटार उठाया, कहता ये देख गाना सुन, ही प्लेड टू मी, अब मेरे को उस वक्त तो याद नहीं था कि ये गाना है, सच बात बताऊं, ही प्लेड टू मी, आई लव्ड इट, यार गाना बहुत अच्छा यार, सो नहीं, मतलब कहता यार मैं ना फिल्म के लिए ट्राई कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 97, आई डोंट इवन रिमेंबर, सच बात बता रहा हूं, कुड बी 96 आल्सो, ओके, एटलीस्ट मतलब बहुत पहले की बात है, 17-18 साल तो हो गए, तो मैंने उसको कहा कि यार बहुत अच्छा गाना है यार, है ना, मैं ये फिल्म के लिए ट्राई कर रहा हूँ और तू जाएगा उसको, मैंने कहा यार जब भी अगर मुझे ला लियो, ठीक है, कट टू 2007, ठीक है, मेरे को प्रीतम का फोन आया, 2006 होगा, KK वो गाना तेरे को याद है, मैंने कहा कौन सा वाला, कौन सा वाला, अबे वहां पर हमने जो तेरे को सुनाया था मैंने टॉयलेट के बाहर, कौन सा वाला, कहता वो, तो उसमें जो लिरिक्स थे उसमें ऐसे कुछ गाया था, तो ऐसे जो ऐसे ना डमी लिरिक्स, वो गाना आज करने वाले हैं, मतलब आपको गाना करना है, तो उसने मेरे को सुना, मैंने कहा क्या बोल रहा है, कहते हैं अनुराग वाजी फिल्म है, अनुराग की फिल्म है, एंड ही लव्स द सॉन्ग एंड आई वांट टू डू इट, मैंने कहा ओह ग्रेट, एंड आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, सो वेंट, नेक्स्ट डे था, पहुंचा स्टूडियो में,
ट्रैक सुना मैंने, उस ट्रैक तो फाड़ो बिल्कुल, माइंड ब्लोइंग. आई हर्ड द सॉन्ग एंड आई सेड डूड दिस इज रॉकिंग मैन, एंड इट्स कंप्लीटली योर स्टाइल, इट्स माय स्टाइल, इट्स माय कूल, माय अप माय एली, एब्सोल्युटली, लाइक गेट आउट ऑफ माय हाउस, स्ट्रेट टू दैट. मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, तो कहता बस तू उसको जमा दे. वो गाना जो है उसे जो सुनाया था मेरे को और जो हमने किया था थोड़ा फर्क था, लेकिन जो मेन इंट्रिंसिक जो क्वालिटी थी वो गाने की वो हमने मेंटेन की है. उस गाने का कौन सा एक पार्ट है जो बिल्कुल यू फील किया ये जो ये कर लिया वो तो ना तृप्ति मिल जाती है. सुन ले बेखबर यू आंखें फेर कर, आज तू चली जा ढूंढेगी नजर हमको ही, मगर हर जगह ऐसी रातों में लेके करवटे याद हमें करना और फिर हार कर कहना क्यों मगर कह दिया अलविदा अलविदा. ये दिस होल सेक्शन पूरा जो जाता है ना. और टुवर्ड्स द एंड आई कांट सिंग इट राइट नाउ बिकॉज़ आई नीड अ गिटार ऑन माय देयर होल एडलिब सिंगिंग जो है ना वो दैट इट्स अनबिलीवेबल. एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर की जब एक दोस्ती भी होती है अच्छी तो एक अलग बात निकल के आती है, चाहे वो विशाल शेखर के हो, प्रीतम के की हम बात करें. आई थिंक दैट्स द रीजन की गैंगस्टर में भी वही जलवा वही मैजिक देखने को मिला प्रीतम के आगे राइट. प्रीतम शेखर ने बहुत अच्छे गाने किए हैं. आई थिंक ही गिव्स मी हिज बेस्ट सॉन्ग्स समटाइम्स आई फील यू नो. मेरे को कहता भी प्रीतम कि यार अभी थोड़े दिन के लिए काम नहीं हो रहा ना, मतलब मेरे जो फैन बोलते रहते हैं यार को छोड़ दो यार प्रीतम को तंग मत करो. प्रीतम कहता है यार जब मेरे लिए कोई गाना होगा तो वही गाएगा. गैंगस्टर का ये जो गाना जो आप बता रहे हैं तू ही मेरी शब्द ब्यूटीफुल सॉन्ग. इस गाने के बाद आई थिंक मुझे काफी लोगों ने कहा कि यार आप वो बहुत अच्छा गाते हो. इनफैक्ट आप काफी होता ना कि शोज पे गाते हैं जाते हैं तो मिलते हैं बच्चे मिलते हैं लड़के लड़कियां सर आप वो बहुत अच्छा गाते हो. तो मेरे पहली बात समझ में नहीं आती. मैंने कहा क्या नहीं नहीं वो मैंने कहा फिर वो ही अच्छा गाता. तो एक इट्स अ काइंड ऑफ थ्रो यू हैव. हर एक गाने का एक जो ना एक गाने का जो एक फील जो है वो पकड़ना जरूरी होता है. राइट यू कांट फेक इट. वो तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया. एक तड़ेगा हाँ वो दैट वाज अनदर डिफरेंट सॉन्ग ऑल टूगेदर. वो गाना जो था आई डिड इट सोहेल एक्चुअली वाज नॉट देयर. उनके घर में आई थिंक समवन वाज नॉट वेल सो ही कॉल्ड मी सेड कि आई एम सो सॉरी आई कांट कम मैं हूं नहीं यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में. मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने गाना सुन लिया था उनकी आवाज में रफ किया हुआ था उन्होंने एंड आई एंजॉयड द सॉन्ग एंड आई डिड दैट. आंखों को यू बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें हम है कहाँ. वो गाना जो था पूरा एक पा 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 जो म्यूजिक उसका जो म्यूजिक था उसका जो एक क्या कहो रिदम वाज वेरी डिफरेंट. आई एंजॉयड दैट सॉन्ग. अच्छा के हमारा एक सेगमेंट है विच इज अनमोल्स पिक ऑफ द डे एंड व्हाट आई डू इज बेसिकली मैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनका कोई एक मोमेंट आई पिक फोटोग्राफ वीडियो कुछ भी जो थोड़ा अलग हटके. आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ योर्स और मुझे ये एक पिक्चर मिला ना ये फोटोग्राफ में दिखाता हूँ देखते ही जहन में क्या मेमोरीज आती हैं वो बताना. ओह मैन दिस इज अ वेरी ओल्ड वन 99 का होगा ये. ये यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ डेनिम्स. आई लाइक जैकेट ऑन स्टेज क्योंकि पहना और वो उतार सकते हो ना. आई डोंट हां रॉस्टर वाली की घर में ले लिया फेंक दिया लेकिन वही ऊपर ही फेंकता हूँ. मतलब एक बार मेरे को किसी लड़की ने कहा मतलब इन द होप दैट आई Give up the jacket. Okay. I love your jacket. You know, I just love it. I said, I love it too. Maybe more than you. तो ऐसा करते हैं कि अभी बातों बातों में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला ब्रेक है हमारा क्योंकि इस ब्रेक में हम दिल की बातें हमारी ये स्क्रैप बुक जो है ये भरवाते हैं. तो वो दिल की बातें जो बिल्कुल दिल के पास वाली हैं. मतलब पोल खुलवाएंगे. मतलब ये हम सटल वे में कहते हैं दिल की बातें. तो ये दिल की बातें जब तक के भरते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं. ये तो हमने सुना है कि पहले जो है लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ में गाने रिकॉर्ड होते थे. उसके बाद फेज आया भी ऑर्केस्ट्रा हट गया अलग से रिकॉर्ड होता था. ट्रैक रिकॉर्डिंग शुरू हो गए. फिर हुआ कि भी सिंगर्स भी अलग अलग रिकॉर्ड करने शुरू हो गए. फिर हुआ कि सिंगर एक एक लाइन अलग अलग रिकॉर्ड करने शुरू हो गए. अब ये जमाना आ गया है कि भैया
म्यूजिक बनता है मुंबई में, सिंगर बैठ के ऑस्ट्रेलिया में गा देता है। ये क्या है बजरंगी भाईजान? यार मैं छुट्टी पे था, ठीक है, और मुझे प्रीतम का फोन आया, आई वाज इन द ब्लू माउंटेन्स, तो मैंने को कहा कि ये गाना भी रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा पागल है यार, मैं तो यहाँ छुट्टी हूँ, मेरे को सिडनी पहुंचने 4 घंटे लगे, नहीं यार जी करना है, मतलब म्यूजिक रिलीज है। तो मैंने कहा यार मैं अभी तो यहाँ हूँ नहीं, तो आई कैन डू इट टुमारो। तो इसे रोके, नो प्रॉब्लम, वो प्रेशर डाला था मेरे पे ऐसे। मैंने कहा अगले दिन सुबह मैं आया वापस और उसने गाना भेज दिया मेरे को, और मैंने रिहर्सल में अपने आप से बैठ के, क्योंकि वो प्रीतम ने मेरे को वॉइस भेजी थी और मैं सुन रहा था, और फोन पे मैं बात कर रहा था, ही गेव मी सम रेफरेंसेस, जन्नत ये वो, मेरे को उसने बताया कि ऐसे तू एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है ना आइडिया, तो उसको फील कर और उसको गा दे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी इसलिए क्योंकि मुझे प्रीतम नहीं था उस वक्त, ना कोई असिस्टेंट, तो आई हैड टू प्ले रोल ऑफ क्रिटिक ऑल्सो। मतलब मेरे को अपना गाना सुनना था और कहना था कि ये या तो ठीक नहीं है। तो मैं प्रीतम को फोन कर रहा था वहां से, उसको मैंने मुखड़ा सुनाया, मैंने कहा सुन, तो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा वहां चेंज कर दे, ही इज अ वेरी शार्प यार। बस विद इन आई थिंक कपल ऑफ आवर्स आई फिनिश द रिकॉर्डिंग, और उसी दिन शाम को प्रीतम को भेज दिया वहां से। इट्स टेक्नोलॉजी इज माइंड, मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि मैंने वहां सिडनी में रिकॉर्ड किया गाना। और अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब खुलने वाली है के दिल की बात है। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं भाई, एक ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी का जो आज भी आप सोचते हैं तो यार बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है यार, ये क्या किया? 7 साल की उम्र में था, तो हम लोग स्विमिंग का मुझे बहुत शौक था, तो उस पर्टिकुलर डे जो था मेरा जो स्विमिंग ट्रंक जो है वो पुराना वाला मेरे को मिला। अच्छा, जो नया वाला जो था वो नहीं था, वो थोड़ा लूज था। दिस जैक नाइफ इज लाइक यू नो यू जंप जंप पे एंड यू गो डाउन लाइक दिस, करेक्ट, तो उतर गया। I was underwater, thankfully. और कोई था नहीं। अच्छा ये बच गया। अरे बॉस, but that was the most embarrassing moment that I've ever had in my life. एक ऐसा competitor जो आया हो रहा है, जिसने ये कहूँ कि आपकी परफॉर्मेंस को और बेटर किया। ये हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा है मेरे मन में, सच बताऊँ। चाहे वो अभी मेरे को सुखविंदर का गाना वो है छैया छैया बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने कभी गाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गाऊँ तो बहुत बेकार लगेगा फीका, बिकॉज दैट सिंगर हैज committed that life of his into that song. वो गाना जो उन्होंने गाया है महसूस करके, उससे तो कोई गा नहीं सकता। Wow, superb. Biggest Bollywood crush? I think early days Smita Patil. Smita Patil. Yeah. Okay. उनकी कोई मैंने पिक्चर देखी थी ब्लैक एंड व्हाइट में, some pictures in some magazine. Stunning. Absolutely stunning. अच्छा भाई, सिंगर ना होते तो क्या होते? डीसी ड्राइवर होता है, क्योंकि मुझे मैं 2-3 बार मैंने किया स्कूबा डाइविंग, आई लव इट, और वहाँ बहुत शांति होती है, कोई शोर नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, आई मीन ब्रीदिंग थ्रू एन ऑक्सीजन टैंक, बट जो नीचे की दुनिया है, जो पानी के अंदर की समुद्री दुनिया जैसे कहते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम्स? जिंदगी का सफर, इट इज माय फेवरेट सॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो सैड सॉन्ग है, मतलब कोई लोग कहते हैं ना यार सैड सॉन्ग तो डिप्रेस हो जाते हो, ऐसा नहीं है, उसको महसूस करो और उसे कुछ सीखो, तो मेरे तो फेवरेट गाना है जिंदगी का सॉन्ग। एक ऐसा रूमर आपके बारे में जो पढ़ा तो लगा हंसी आई कि अभी यार ये, हाँ बहुत पहले की बात है, तो पेपर में कहीं जिक्र आया था कि मेरे किसी सिंगर के अफेयर चल रहा है, कमाल की बात है, मैंने कहा वाह, तो मेरे दोस्त थे यार। अच्छा, तो ऐसे अफवाह चली थी और हम बहुत ऐसे थे। तुम्हारी दिल की बातें हो गई हैं कंप्लीट, लेकिन नहीं कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट तब होती है जब उसमें एक फोटोग्राफ लगती है ना, वी आर दिस वेरी कूल कैमरा, डू वाओ, तो एक अच्छी सी सेल्फी हो जाए।